तो दोस्तों कैसे आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। तो आज चलते हैं स्कूल और आपको बताएंगे कि इस गाड़ी में कहाँ क्या आता है और क्या काम, कौन सी बटन क्या काम करता है, कैसे गाड़ी चलानी चाहिए, मतलब अच्छी गाड़ी, वीआईपी गाड़ी, लग्जरी गाड़ियाँ। तो इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा, तो बने रहिए हमारे साथ। देखिए जैसे मैं गाड़ी स्टार्ट किया तो हमेशा चेक करें, न्यूट्रल रहना चाहिए, ये पार्किंग रहनी चाहिए, गियर वाली में न्यूट्रल, इसमें पार्किंग, पी पे चाबी निकलती है, कई गाड़ी की निकल जाती है, इसकी निकल जाती है न्यूट्रल पे भी। और कभी रिवर्स में गाड़ी अगर बंद कर दिया आपने, दोबारा सेल्फ मारो तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो हमेशा ध्यान रखने का ये चीज़, गाड़ी न्यूट्रल या पार्किंग में ही करके बंद करें गाड़ी, ठीक है। और यह है एक्सलेटर, और यह है ब्रेक, और ये है साइड ब्रेक। अब देखिए गौर से लिखा हुआ है पुश ऑफ पुश ऑन, अभी ये लगा हुआ है, ठीक है, इसको ऑफ करना है, ये घिस दिया ऑफ। इस चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। देखिए जैसे ही लगाएंगे यहाँ पर लाइट आ गई, हैंड ब्रेक हटाएंगे, साइड ब्रेक भी बोलते हैं इसको, हैंड ब्रेक भी साइड ब्रेक दोनों बोलते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना है, ये टेम्परेचर है, इतना होना चाहिए गाड़ी में टेम्परेचर, गर्म गाड़ी होती है तो, ठीक है। और ये है गाड़ी का तेल का मीटर, तो आप देख सकते हैं तेल है, मतलब चल जाएगा काम, अभी बाद में भरा लूँगा। और ये किलोमीटर है, ये गाड़ी कितने मिनट स्टार्ट है, कितने घंटा वो बताती है, एवरेज बता रहा है 31 का, ये मतलब कितने की स्पीड में चलेगी गाड़ी, क्या है ये एवरेज बताती है। और ये ट्रिप लगा हुआ है, सर्विस के लिए लगा के रखते हैं, सर्विस कराते समय जीरो करा देते हैं, इससे पता चले कि भाई कब इसकी सर्विस होगी, 5,000 पे है कि 10,000 पे। और इसकी हर एक सेटिंग बताऊंगा आज, हर एक सेटिंग, इसमें क्या होता है, ये क्या काम आता है, ये क्या काम आता है, इधर ये क्या काम आता है, बटन सारी बताऊंगा, तो बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों अभी अरबियों का त्यौहार रमज़ान है, अभी सारे अरबी सो रहे होंगे, खाली ड्राइवर है जो स्कूल का काम है वो निकलते हैं, बगैर ज़रूरत के निकलते नहीं है, मतलब समझो लॉकडाउन, जिसको काम है वही निकलते हैं। तो ये है मोहल्ला, और ये इसे मंतगा बोलते हैं अरबी में, मंतगा, मोहल्ला को मंतगा। और ये रोड को इशारा बोलते हैं, इशारा, इशारा सिग्नल को भी बोलते हैं, इस रोड को भी बोलते हैं, और बड़ी रोड को तरीज बोलते हैं, हाईवे को। ये देखिए अरबियों की गाड़ी खड़ी है, कुवैतियों की, और ये स्कूल की पार्किंग है, स्कूल में गाड़ियाँ खड़ी है, और ये सब जिसको काम है वो जाते हैं, नहीं बाद बाकी की गाड़ियाँ खड़ी है। ये अरबियों का घर है, ये गाड़ियाँ उनकी खड़ी है, उनके ड्राइवरों की, सबकी खड़ी है। अब ये देखिए ये सब शाम को निकलेंगे रोज़ा खोलने के बाद में, जब तक ड्राइवर अभी काम कर रहा होगा पूरा 100। अब ये हर मंतगा के आगे आपको ये 45 की स्पीड वाली रोड मिलेगी, ये डिवाइडर वाली, जो अपने 80 की स्पीड होती है ना इंडिया में, अब तो 120 वाले हाईवे एक्सप्रेस पे भी बन गया, पहले यही थी 2014 के बाद। तो ये दो लाइन है, ठीक है, अब ऐसे चला। ये देखिए ये ब्रेकर का निशान है, यहाँ ब्रेकर आएगा, और यहाँ लिखा हुआ है गिव वाई बोर्ड पे, तो इस चीज़ का ध्यान देना है। और ये जैसे ये सिग्नल देता है किधर चलना है, 45 की स्पीड है तो हम 45 की स्पीड चल रहे हैं। तो साथियों हमने इस गोलंबर से, दवार बोलते हैं इसको अरबी में गोलंबर को, तो हमने उससे यू टर्न मारा है, यू टर्न मार के हमें रोड पर निकलना है, इसीलिए हमने यू टर्न मारा है। और पूरे दिन अकेले भटकना पड़ता है, अगर कोई बच्चा आए तो ठीक है, नहीं फैमिली आए तो ठीक है, नहीं तो अकेले ही पूरे दिन अकेले घूमो पूरे दिन। तो अभी हम निकल चुके हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। आप देखिए हम 80 वाले पे चढ़ रहे हैं, 45 से निकल के अब 80 पे चढ़ेंगे, ये 80 की रोड है, चढ़ने का सब कुछ अलग है। अब ये कुवैत में 80 की स्पीड वाली में आपको सिग्नल मिलेगी, अभी देखिए सिग्नल के पास में कैमरा लगा हुआ है, इसमें कई खंभे पे कैमरा है चारों साइड, तो इस पे आराम से और सिग्नल पे 60 से ज़्यादा स्पीड गाड़ी ना निकाले, नहीं तो ये स्पीड कैमरा भी है और वो सिग्नल कैमरा दोनों मार देगा, वो 60, 65, 70 तक बस पहुँचता है। और कितनी भी ग्रीन रहे तो देख लिया कि ये एक बार देखना चाहिए आदमी, क्या पता कोई गलती कर रहा हो, उसकी वजह अपना भी नुकसान हो, उसका भी नुकसान हो, उसकी गलती तो कैमरा से मिल जाता है पर आपका नुकसान होगा, ठीक नहीं है।
अब ये देखिए एक और सिग्नल, तो इस सिग्नल से हम निकलेंगे हाईवे पे। गौर से देखिए ये झंडा वाला खंभा के बगल में कैमरा है, और वो कैमरा चारों तरफ 360 डिग्री घूम घूम के पूरा देखता है किधर से क्या हो रहा है। चलिए तो हो गया ग्रीन सिग्नल, तो देखिए पहले से लाइन रखे कि हमें किधर जाना है। अब हम आगे जाके हमें राइट ही जाना है, इसीलिए हम पहले से राइट में गाड़ी रख रहे हैं, और वो निकल रहा है, ये रोड पर चढ़ रहा है। इनका भी थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ता है, हालांकि ये ध्यान दे के चढ़ते हैं, कोई भी रोड पर चढ़ते समय ध्यान रखे अपना, पागला दे ना दे साइड वो अलग बात है, और अपना ध्यान रखे। हम चल चुके हैं, अब चढ़ेंगे 120 वाली स्पीड में। ये देखिए साइड में कैमरा भी दिख गया होगा, स्पीड कैमरा हो। और ये देखिए आपको लाइव बताऊंगा अभी कि कैसे हाईवे पर चढ़ते हैं, लोकेशन भी बताता है कि राइट की लेफ्ट, रिंग रोड पर, रिंग रोड नहीं सिग्नल मिलेंगे हाईवे के नीचे, हाईवे के ऊपर रिंग रोड या हाईवे पे चढ़ने के लिए या सिग्नल, जहाँ ज़्यादा ट्रैफिक रहती है वहाँ रिंग रोड दे देता है। अभी देखिए हमें राइट से राइट में जाने के बाद में ये रोड सीधी जाएगी, तो हमें राइट उतर के और हमें हाईवे पकड़ना है 120 वाली। तो वो बता दिया कुवैत सिटी एक अहमदी, अहमदी राइट में है और कुवैत सिटी लेफ्ट में, तो हम लेफ्ट में रखेंगे क्योंकि हमें लेफ्ट जानी है हाईवे पर कुवैत सिटी में। देखिए हम रिंग रोड पकड़ चुके हैं, ये है रिंग रोड का नज़ारा। ये देखिए इसी पर हम हाईवे पर जाएंगे इसी के थ्रू। यहाँ पे कैमरे लगे हुए जगह जगह, ये कम से कम ना भी तो 100 फीट ऊंचा है ये पुल जिससे हम निकले, सबसे ऊंचा पुल यही है, इसे रिंग रोड बोलते हैं। अब देखिए अब जैसे ही हाईवे पर उतरेंगे, अभी ये देखिए अब आपको दिखाई दे दी होगी हाईवे, और ये पीली पट्टी है ना, इधर उधर हो सकता है आदमी, ये पीले लाल है ना, इधर उधर हो सकता है, ये पीली पट्टी सीधी नहीं जाएगी, वो जो उसमें चल रहा है ना पीली पट्टी में, उसको मालूम है कि वो सीधी नहीं जाएगी, पहले से लाइन चेंज कर लेते हैं लोग, ठीक है। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिए, देखिए पीली पट्टी आगे बंद होएगी, ये देखो तीर का निशान आ गया और वो ख़त्म, आदमी चेंज हो गया, लाइन चेंज कर लिया लोगों ने, देखो ये देखो पीली पट्टी ख़त्म, अब आ गई वो इमरजेंसी रोड बन जाती है, तो एकदम डायरेक्ट एकदम पीली रोड हो तो उस पर तो चलना ही नहीं है, गलती से खराब हो जाए तो ही, या पुलिस रुका है तो उस पर रुको उतर के, ऐसे मत चलो कभी। देखिए गाड़ी हमारी चल रही है 120 के स्पीड में, एकदम आराम से लाइन चेंज कर लिया बगैर कोई तकलीफ है, और 120 से ऊपर जाते ही गाड़ी सायरन बोलने लग जाती है टू टू 4-5 बार कि आपकी गाड़ी ओवर, योर व्हीकल ओवर स्पीड, ये सब ओवर स्पीड जा रहे हैं। आप देखिए सब ब्रेक मारेंगे कैमरा के सामने, सब ब्रेक मारेंगे कैमरा के सामने, ये सबके औकात दिखाता है ये कैमरा, भागता नहीं है कोई, खाली पुलिस और एम्बुलेंस ही तेज चलती है बस। अरे देखिए उधर 5 नंबर उतरने का है, तो पहले से साइड में रखे जिसे उतरना है, 5 नंबर हाईवे जा रहा है, हम 40 पे चल रहे हैं अभी। ये देखिए ये हाईवे का वो जो रोड चेंज कर रही है, 5 नंबर ऊपर से जा रही है, ये देखिए इतनी चौड़ी पुल बनी हुई है, यानी 10 लाइन है जाने आने का, और 2 लाइन वैसे है इधर उधर जाने का, 4 लाइन। ये देखिए और आराम से लाइन चेंज करने का, कोई गड़बड़ा नहीं कर रही, दोनों साइड देख के इंडिकेटर देख के, अगर इंडिकेटर देख अगर लाइन चेंज नहीं किया पुलिस वाला देख लिया तो 10 दिनार, यानी इंडिया का 2700 रुपये का चालान बनेगा अगर बगैर इंडिकेटर के आपने देख लिया, मतलब वो देख लिया पुलिस वाला बगैर इंडिकेटर का लाइन चेंज किया था, यानी जो लाइन सब अपने अपने लाइन में चल रहे हैं ना, बगैर इंडिकेटर का देना, इंडिकेटर देने से क्या होता है कि अगला समझ जाता है कि लाइन चेंज कर रहा है या करेगा, कि वो इंडिकेटर बंद चालू होता है तो इससे इंसान को समझ में आ जाता है कि क्या है, दिखाई दे देता जल्दी, और कोई पूरा बंद है कोई पूरा चालू है तो इतना ध्यान नहीं देते, इसीलिए इंडिकेटर को इसी हिसाब से बनाया गया है, इंडिकेट करना, जैसे एक आप रोड चेंज कर रहे हैं, एक हाथ सीधा निकाल रखे एक हाथ हिला रहे, दोनों फर्क नहीं,
यही फर्क है। आप ये देखिए 5 नंबर पार करने के बाद 4 नंबर पार कर रहे हैं हम, और ये लिमिट आ गई 100 की। इंटर करते 100 की लिमिट बता दिया गया। अब यहाँ से रोड छोटी हो गई तो 100 की लिमिट, यहाँ से 4 जाने का 4 आने का लाइन है, 8 लाइन ही बची, 10 लाइन वाली रोड खत्म हो गई। फिर आगे जाएंगे तो 6 लाइन आएगी वो 80 की स्पीड बता देगा, फिर 4 लाइन आएगी तो 45 की 60 की बता देगा। तो ऐसे है। अब देखिए अब हमें उतरना राइट, क्योंकि हमें हवेली में घुसना है। लोकेशन आपके पास रहेगा, 2-4 दिन लोकेशन से जाना पड़ेगा, बाद में आदमी समझ जाता है कि भाई किधर से क्या है। और धीरे धीरे रहे तो यह रोड एकदम बहुत बढ़िया सिस्टम है, अमेरिकन सिस्टम। एक बार आदमी रोड का नंबर सब जान गया ना, तो मान लो पूरा जान गया, कुवैत जान गया, अमेरिका जान गया, सब कुछ जान गया, कतर जान गया, यही रोड है। यह घर भाई घर है, अगर बता देने की ये फलाना घर फलाना रोड पर आ जाए तो वहाँ पर पहुँच जाएगा, सीधा जाके घंटी बजाओ अगला घर। अब ये देखिए हम सीधा आ चुके हैं, और आराम से देख के शीशा में लाइन चेंज किए, देखिए लिखा हुआ हवेली, हम चल चुके हवेली में। अब ये देखिए बड़े प्यार से लेके और धीरे धीरे देख के चलना। अब जिसे राइट में जाना है वो राइट है, जिसको सीधा जाना है वो लेफ्ट है, या जिसको लेफ्ट जाना होगा लेफ्ट होगा। तो हमेशा देखिए राइट में उतरना है तो पहले से लेफ्ट होना ज़रूरी है, और हमें राइट होना है तो ये देखिए ऐसा दिया इंडिकेटर और ऐसा किया राइट, ठीक है। देखिए बिना मतलब के कूद गए, इधर से उधर कर रहा है, और ये गाड़ी खड़ा कर रहा है कोई अरबी पार्किंग में, लैंड कर उधर गाड़ी है, 2,40,00,000 का पड़ रहा है। ये देखिए ये आराम से पार करने का, इसको बोलते हैं ब्रेकर, क्योंकि इधर ही स्कूल है, इधर जहाँ पे आया हूँ मैं इधर पे 4 स्कूल है, 1-2 नहीं 4 स्कूल है। ये देखिए ये सब तो ये किराए वाले का है। अब ये देखिए स्कूल पे ब्रेकर है, और यहाँ पे बता रखा है कि 12 बजे से लेकर 2 बजे तक आप नो एंट्री कर सकते हैं। वो आया अभी ये गिरी लगा देगा, टाइम दे रखा है नो एंट्री का, मतलब अभी 12 बजने में 2 मिनट बाकी है, 1 मिनट हम देखते हैं घुस जाते हैं, उसके बाद में अब ये बंद कर देगा, क्योंकि स्कूल की छुट्टी होती है तो इधर से नो एंट्री है जाना, 4-4 घंटे के लिए लगाता है, 2-2 घंटे के लिए लगाता है। अब ये देखिए ड्राइवर सब गाड़ी खड़ा कर करके बैठा है आराम से, ये सब ड्राइवर की गाड़ियां हैं। ये देखिए ये ड्राइवर पहले आ जाते हैं, क्यों पार्किंग की बड़ी समस्या है। ये देखिए सारे ड्राइवर की गाड़ी खड़ी है, कोई में बैठा होगा, कोई में चाय पानी की दुकान पर होगा, तो अभी तो रमजान चल रहा है तो चाय पानी की दुकान बंद है, आए यानी चालू जरूरत की चीज़ें ले सकता है, चाहे पानी पिएगा नहीं देगा दोनों बात। ये देखिए ये सब ड्राइवरों की गाड़ी खड़ी है, क्या बात है, सब में ड्राइवर अपने अपने बच्चे को लेकर जाता है, कोई कभी कोई कभी कोई कभी, कोई फ़ोन मारे तो कोई पहले से। अब जैसे हम भी पहले पहुंच गए, अब ये देखिए सिग्नल है, अब ये येलो हो गया आप रेड हो जाएगा, देखिए निकल सकते थे पर रेड हो गए नहीं निकले, क्योंकि हर जगह ये नहीं है, कहीं पे कैमरा भी रहता है, बीच में जाते कैमरा मार देता है, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें। आप देखिए हम रुके, दूसरा निकल रहा है, तो सिग्नल को बहुत फॉलो करना ज़रूरत है और स्पीड को। तो दोस्तों सिग्नल पे मोबाइल चलाना भी अलाउड नहीं है, मोबाइल तो कहीं चलाना अलाउड नहीं है, गाड़ी रोक के भी चलाना अलाउड नहीं है, तो स्टैंड पर लगा रखे हैं, हाथ में देखेगा तो चालान मारेगा, इसीलिए इस चीज़ का खास ध्यान रखें। और गाड़ी में कहाँ क्या कौन सी बटन क्या काम आता है सब बताएंगे। ये है साथियों सब के सब मौजूद है अपने अपने गाड़ी ले लेके, और देखिए और बताते हैं आपको इसके बारे में। ये मोड है देखिए FM रेडियो ये जो है XYZ ब्लूटूथ उसका मोड है ये, ओके। ये म्यूट है, चलती गाड़ी गाना एक बार में ही बंद करना, तो ये वॉल्यूम ऊपर नीचे करने का, ये गाना चेंज करने का। ये है क्रूज कंट्रोल, इसको दबाया ना देखिए, ये क्रूज कंट्रोल है, इससे क्या होता है कि गाड़ी इस एक्सलेटर को लॉक करके चलाता है, पिछली वीडियो में बताया था मर्सिडीज बेंच में। और ये कैंसल है, किसी भी चीज़ को कैंसिल करना जो आ जाए उसको कैंसिल करना। ये सेट है ऊपर नीचे, जैसे ये मेनू है, ये मेनू देख सकते हैं इसमें जाके,
ये मीनू आ गया, जैसे देखिए टायर का प्रेशर कितना है इसी में चेक कर सकते हैं। ये देखिए 37 37 38 बता रहा है, पैसे 35 रखना चाहिए। आज मैं टायर चेंज कराऊंगा इसके जाकर। ये हो गया, ये देखिए इसमें सेटिंग जाके सर्विस कब किया है, लाइट बंद करना है, वेलकम साउंड बंद करना है, क्या करना है ये। और ये टेम्परेचर पहले सी आता था, अब एफ आने लगे। आपका मतलब समझ नहीं आ रहा कुछ भी क्या है, इसके बारे में भी मैं रिसर्च कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये हो गया, ये बता ही दिया, ये उसका बता दिया। ठीक है, अब चलते हैं। ये एसी का टेम्परेचर का, ये देखिए ये लो से F3 आ गया, ये तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ये टेम्परेचर लो ज़्यादा करने का, गर्म चाहिए ठंडा चाहिए वो। ये हार का है गर्म का फ्रंट पर। ठीक है, ये एसी का ऑफ कर दिया, ये ऑटोमेटिक यानी पूरा ठंडा करके छोड़ेगा ये, जब तक ठंडा नहीं होगा तब तक एसी कम नहीं होगा। ये देखिए फुल हो गया ना, और ये बोलिए मैं आपको जितना हवा चाहिए उतना। और ये ग्रिल है, मुंह पे हवा चाहिए किधर चाहिए सब चाहिए, सब मिलेगा। ठीक है, और ये मीडिया का, ये ऑफ का बटन है, एक मिनट में ऑफ हो जाएगा। और ये बोलिए मैं कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये उसका सेटिंग है, ये रेडियो, ये सब, ये वो टेप का सिस्टम है, गाना गुना है, यही वही। ठीक है, वो सेम टेम्परेचर का पीछे का, ये पीछे का एसी का है, पीछे वाला फ्लोर चलेगा, पीछे डिग्गी में जहाँ आदमी बैठता है कभी। ये मोड है जैसे ऊपर चाहिए, ये कंप्रेसर का बटन है, ये नहीं दबाएंगे तो गाड़ी गर्म हवा फेंकेगी, यही ठंडा करता है कंप्रेसर का। इसको दबाओगे तो ये देखिए नीचे पैर में हवा, ये खाली पैर में चाहिए या पैर मुंह पे दोनों पे हवा चाहिए, ये देखिए, या फिर सिंगल मुंह पे हवा चाहिए, ये हो गई। ठीक है, ये हो गई लाइट, ये डोर कर दिया तो फाटक खोलेंगे दरवाज़ा तो ही लाइट जलेगी, तो ये ऑन कर दिया तो जलेगी। ठीक है, ये ऐसा सिस्टम है। और जैसे एक लाइट अपनी साइड की जलानी है तो अपनी साइड की जला लिया, ऐसे कर दिया। ठीक है, ये है चश्मा, इसमें चश्मा भी रख सकते हैं या कोई सीक्रेट चीज़ भी रख सकते हैं, कोई देखने वाला नहीं है। ठीक है, और ये है बटन लाइट की, जैसे लाइट ऊपर नीचे रोड पर सही पड़ रही है लाइट की नहीं पड़ रही है तो यहाँ से ऊपर नीचे कर सकता है आदमी जितना पर करना है। ठीक है, ये है पूरी मीटर की लाइट कम ज़्यादा करने की, ये पूरी लाइट है ना, आप देखिए जैसे कम कर रहे थे बता रहे, ये देखिए कम होगी, ऐसा किया ज़्यादा। क्रिज कंट्रोल बंद करना तो इसी को दबाना, वापस ही ग्रीन वाला बंद हो जाएगा। अब ये आपको बता ही दिया, अब ये है लॉक का, यानी रोड पर खेत उत पर चला सीधा चला, स्टेयरिंग इधर उधर ना मुड़े चाहे गाड़ी ढलान पर ना ढले तो ये लॉक हो जाती है, गाड़ी टेढ़ी नहीं चलेगी, मतलब कोई भी मोड़ पर नहीं घूमेगी गाड़ी, सीधा सीधा पार्किंग में से नहीं निकाल सकता इसको दबा दिया तो। ठीक है, ये है रोड ख़राब है और इसको ये चालू रहना चाहिए, टेक्नीशियन कंट्रोल बोलते हैं इसको, इससे क्या है ये ऑटोमेटिक कंट्रोल करते रहता है गाड़ी अनबैलेंस ना हो। ये देखिए ऑन ऑफ, और ये है ड्राइव मोड, यानी आप आराम से ड्राइव करना चाहते हैं, देखिए इको मोड कम पेट्रोल पिए। और ये देखिए ये स्पोर्ट्स मोड है, माने इस पर तेल खूब पिएगा पर गाड़ी एकदम भागेगी घोड़े की तरह। ठीक है, तो ये है, ये सेटिंग बता दिया आपको सब कुछ, ये फ़ोन उठाने का काटने का। ठीक है, और ये गियर है, गियर भी अलग अलग है, जैसे वही है इसमें ये लीवर है ऐसे ऐसा करने, ये देखिए किसी में बटन आता किसी में लीवर आता, अभी न्यूट्रल पे है हम ब्रेक दबा के फिर पार्किंग पे करेंगे, पार्किंग पे कर दिया हैंड ब्रेक लगा दिया साइड ब्रेक, अब करेंगे एसी को बंद और फिर करेंगे गाड़ी को बंद। देखिए फिर देखिए, ये देखिए कर दिया बंद, चाबी खींच लिया,